सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानीय किसानों को दी जा रही है, तो फिर देर किस बात की। आप पधारें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स के सबसे बड़े शोरूम में और नए वर्ष में मिली सौगात का लाभ उठाएं। हमारा पता है नई गल्ला मंडी के आगे खुरई रोड सागर। निवेदक पूनम बीरेन पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, खुरई रोड सागर। कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव के पूर्व प्रदेश की जनता को दिए गए वचन पत्र के ज्यादातर मामलों में प्रदेश सरकार के 6 माह के कार्यकाल के बाद ही पूरा नहीं होने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सरकार पर वादाखिलाफी कर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए विरोध स्वरूप वचन पत्र की अर्थी निकालने का प्रयास किया गया, जहाँ प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस और भाजपाइयों में टकरार हो गयी और आरती छीनने के चक्कर में दोनों ही एक दूसरे से उलझ गए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई, जहां पुलिस ने बलपूर्वक इन्हें खदेड़ कर इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया और शांति व्यवहार भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। विगत पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में न सिर्फ मुखाग्र रूप से बल्कि सोशल मीडिया पे या नेट पर भी उनके जो वचन पत्र है उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम युवाओं के लिए 4,000 रुपए तक का मासिक भत्ता देने की योजना लाएंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन अभी विगत 15 दिनों पहले ही मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि हमारी ऐसी कोई भी योजना नहीं है या ऐसा कोई भी बजट के प्रावधान में नहीं है। उसको लेकर जो प्रदेश के युवाओं के साथ हमने विरोध उनने छलावा किया है, उस छलावे के विरोध के स्वरूप हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो अपने वचन पत्र दिए थे उस वचन पत्र की अर्थी निकाल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों द्वारा बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उनको गिरफ्तार और थाने भेज दिया गया। इस बात का विरोध था, नीतियों का विरोध था।